हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी यूनिट वन वंडरफुल वेस्ट। आफ्टर द आइसक्रीम मैन पोएम वी विल स्टार्ट वंडरफुल वेस्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 5 मैरीगोल्ड। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्ट? वी कैन से दैट द यूजलेस थिंग्स इन आवर लाइफ आर यूजुअली कॉल्ड वेस्ट। जो सारे चीज़ हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है उसे ही हम लोग वेस्ट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वेस्ट को कैसे यूजफुल बनाया जा सकता है, कैसे वेस्ट को हम लोग अपने काम में लगा सकते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। वेस्ट जो होता है वो बहुत यूजफुल हो सकता है, तो ये स्टोरी पढ़ के आप जान सकते हैं उसको। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Travancore एक जगह था इंडिया में, साउथ इंडिया में, जो अभी केरला है, उसका पुराना नाम Travancore था ब्रिटिश इंडिया से भी पहले, ब्रिटिश के टाइम से। ब्रिटिश के बाद 1949 या उसके बाद वो चेंज हुआ है, 1956 में केरला नाम आया है। देन तो ये कह रहे हैं कि Travancore में महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया कि आज ग्रैंड बहुत बड़ा एक रात्रि भोज होगा हमारे पैलेस में। पैलेस का मतलब महल में, प्लेस नहीं है, पैलेस है, PALACE। पैलेस का मतलब महल। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज that had been prepared for the feast. Feast का मतलब पार्टी, भोज। तो महाराजा ने क्या किया, आफ्टरनून के समय, दोपहर के समय, डिनर से पहले महाराजा ने किचन में एंट्री किया और सर्वे करने के लिए एंट्री किया, चेक करने के लिए कि क्या क्या डिश प्रिपेयर हुआ है और कैसा प्रिपेयर हुआ है पार्टी के लिए, जलसा के लिए। What are you doing? What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. महाराजा ने पूछा, कुक से पूछा, जो खाना बना रहे हैं उनसे पूछा कि तुम ये वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वालों। वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब जो वेजिटेबल कट करने के बाद जो उसका छोटा छोटा टुकड़ा या बहुत सारा उसका पार्ट जो है वो हम लोग फेंक देते हैं, उसको वेजिटेबल स्क्रैप्स बोला जा रहा। तो कुक से पूछा कि ये स्क्रैप्स का क्या करोगे, वेजिटेबल स्क्रैप्स का। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, वहाँ पे जो स्क्रैप रखा हुआ था, बास्केट जो टोकरी रखा हुआ था उसमें वो पॉइंट करके वो पूछा। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो कुक ने रिप्लाई किया महाराजा को कि वो तो वेस्ट है, कचरा है, उसको हम लोग फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो महाराजा ने strictly order दिया उसको कि ये vegetables के bits and pieces, ये vegetable के जो टुकड़े हैं इसको फेंकना नहीं है, इसको waste नहीं करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। कोई तरीका निकालो, फाइंड अ वे टू यूज़ देम, कोई तरीका निकालो ताकि उसको यूज़ कर दिया जाए। और ये बोलते हुए, स्ट्रिक्टली बोलते हुए महाराजा वहाँ से निकल गए। द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। कुक जो है वो चौंक गया यह सुन करके और कन्फ्यूज होकर के वो सोचने लगा, उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को देख रहा है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, एक आइडिया उसके माइंड में आया अचानक से। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल, उन्होंने वेजिटेबल के टुकड़े को, सारे सब्जियों के टुकड़े को धोया, टुकड़ों को क्लीन किया अच्छे से। देन ही कट देम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसको लंबे लंबे टुकड़ों में, ऐसे ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उन्होंने उसको एक बड़ा पॉट मटके में डाला
और उसको पकाने के लिए आग के ऊपर फायर के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया कि कुछ कोकोनट को फ्रेश कोकोनट लिया और हरी मिर्च लिए और लहसुन गार्लिक लिया और सबको मिक्स करके ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड का ही फॉर्म है ग्राउंड, उसको पीस लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और उसने कुक ने इस पेस्ट को वेजिटेबल में ऐड कर दिया थोड़े नमक के साथ, सॉल्ट के साथ। अ टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू उस पॉट से, मटके से आने लगा। नाउ वी व्हिप्ड सम कर्ड एंड ऐड इट टू द करी। और उसके बाद थोड़ा सा दही भी उसमें ऐड किया गया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, कुछ ड्रॉप, कुछ स्पूनफुल मतलब कुछ चम्मच और कोकोनट ऑयल का भी उसमें डाला और करी पत्ता जो होता है, करी लीव्स जो होता है, उससे उसको डेकोरेट कर दिया। फिर लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। इस सरप्राइज के साथ उन्होंने ऐसा डिश को पेश किया कि ये सरप्राइजिंगली एक नया डिश तैयार हो गया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एट दैट इवनिंग। और शाम को जो मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, उनको कुक ने ये खाना पेश किया, उनको सामने खाने के लिए दिया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। सब को एकदम उत्सुक हो गए जानने के लिए कि ये इस डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। और कुक ने सोचा और सोचते ही रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। और उनके मन में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। उसका नाम, इस सब्जी का नाम दिया, इस डिश का नाम दिया अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड नाउ इज वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और आज ऐसा हो गया है कि अवियल जो है बहुत फेमस हो गया है केरला में, और ये एक बहुत ही फेमस डिश हो गया है। जब भी केरला में कोई पार्टी होता है, कोई फीस्ट होता है, फीस्ट का मतलब कोई पार्टी, जलसा, ट्रेडिशनल मतलब सांस्कृतिक कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे अवियल ज़रूर बनता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ये कहाँ से आया, एक भर कर के टोकरा वेस्ट, जिसको वेस्ट कहा जा रहा था, फेंकने के लिए रखा गया था, वहाँ से ये वेजिटेबल रेडी हो गया, ये डिश रेडी हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि कभी भी कोई चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें हम लोगों को उसका यूज़फुलनेस ढूंढना चाहिए, कुछ आइडिया निकालना चाहिए ताकि हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ, किसी को भी फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। इन अ फिक्स मतलब वो सोचता ही रह गया, वहाँ से बाहर निकलने का उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा पोजिशन। फ्लैश अक्रॉस द माइंड सडनली थिंक ऑफ, मतलब सडनली उसको माइंड में आया। लो एंड बिहोल्ड मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज। जब वो नया डिश बना के लाया तब बोला लो एंड बिहोल्ड, मतलब देखो सरप्राइज। ट्रेडिशनल फिस्ट मतलब हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन। कोई भी स्पेशल ओकेजन में जब हम लोग गेस्ट को खाना खिलाते हैं, दिल से खाना खिलाते हैं, तब बोलते हैं उसको ट्रेडिशनल फिस्ट। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। What were the preparations in the palace for? तो palace में, महल में, palace का मतलब महल, palace में किस चीज़ का preparation चल रहा था? तो night dinner जो king ने बुलाया था रात को dinner के लिए, सबको dinner के लिए, तो उसके लिए preparation चल रहा था। Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Maharaja went to the kitchen to survey all the dishes prepared for the dinner. वो सर्वे करने गए थे डिशेज को। अगला है what had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook planned to throw the vegetable scraps. कुक ने यही प्लान किया था कि उन्होंने उसको फेंक देना है। Ingredients are the things that are used to make a dish.
बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल करके ही तो एक डिश बनता है। सर्किल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स। तो अवियल बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया गया? चिली यूज़ किया गया, उसको सर्कल करना है। ग्राउंडनट यूज़ किया गया क्या? नहीं। कोकोनट यूज़ किया गया? यस। गार्लिक यूज़ किया गया? यस। रोस्टेड पीनट? नो। ब्रोकन बैंगल्स? नो। वुड? नो। कर्ड? यस, कर्ड वॉज यूज। बास्केट? बास्केट तो यूज़ नहीं किया गया, वैसे बास्केट में रखा गया था। वेजिटेबल स्क्रैप्स को यूज़ किया गया। करी लीव्स को यूज़ किया गया। ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। ट्रू। नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर। ट्रू। किन्हों ने भी अवियल के बारे में पहले सुना नहीं था। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने दूसरा वेजिटेबल बनाने का प्लान किया वेजिटेबल स्क्रैप से। नहीं, ये ऐसा तो नहीं था, तो ये फॉल्स होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।